शिव का नटराज स्वरूप क्या है? संपूर्ण सृष्टि में भगवान शिव के कई रूप विद्यमान हैं, जिनमें से एक रूप नटराज का है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह शिव की आनंदमयी अवस्था है। भगवान शिव के इस नटराज रूप का अपना एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य है। सनातन धर्म के अनुसार त्रिदेवों में भगवान शिव को सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना गया है। भगवान शिव के विभिन्न रूप और उनकी लीलाएं हमेशा से ही कौतूहल का विषय रही हैं। ऐसी मान्यता है कि शिव के नटराज रूप की अवधारणा उनके आनंदमय तांडव नृत्य से जुड़ी हुई है। शिव के इस नटराज रूप का अर्थ जितना व्यापक है उतना ही ग्रहण करने वाला है। दूसरे शब्दों में कहे तो शिव का नटराज स्वरूप निर्माण और विनाश दोनों प्रक्रियाओं को दर्शाता है। शिव महापुराण में भोलेनाथ के सभी रूपों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भगवान शिव ने इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए असंख्य रूप धारण किए और उनका हर रूप भक्तों के मन को मोह लेने वाला है। नटराज शिव नृत्य विज्ञान के जनक है। भगवान शिव के तांडव के दो रूप माने गए हैं। पहला रूप उनके क्रोध का है, जो विनाशकारी प्रचंड तांडव का है, और दूसरा रूप है आनंददायक तांडव का। लेकिन ज्यादातर सभी लोग तांडव शब्द को भगवान शिव के क्रोध से जोड़कर देखते हैं। शिव के रौद्र तांडव को रुद्र कहा जाता है और शिव के आनंद तांडव को नटराज कहा जाता है। प्राचीन आचार्यों और ऋषियों के मतानुसार भगवान शिव के हर्षित तांडव से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और उनके भयंकर तांडव नृत्य से ही यह सृष्टि विलीन हो जाएगी। नटराज शिव की चार भुजाएं हैं, जो एक अग्नि चक्रों से घिरी हुई हैं। वह अपने एक पैर से एक बौने राक्षस को नीचे दबाए हुए है और उनका दूसरा पैर नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में एक डमरू पकड़ा हुआ है। डमरू की ध्वनि सृजन का प्रतीक है, जो शिव की रचनात्मक शक्ति को इंगित करती है। उन्होंने अपने बाएं हाथ में अग्नि को धारण किया हुआ है। यहां यह अग्नि विनाश का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि शिव ही एक हाथ से रचना करते हैं और दूसरे हाथ में यह रचना विलीन हो जाती है। नटराज शिव का दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो हमें बुराई से बचाता है। नटराज शिव का उठा हुआ पैर मोक्ष का प्रतीक है। यहाँ उनका दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है। इसके द्वारा शिव हमें मोक्ष का मार्ग सुझाते हैं, अर्थात शिव के चरणों में ही मोक्ष है। नटराज शिव के पैरों के नीचे कुचला हुआ बौना दानव अज्ञानता का प्रतीक है, जिसे शिव नष्ट कर देते हैं। शिव अज्ञान का विनाश करते हैं। नटराज मुद्रा में चारों ओर उठती हुई अग्नि की लपटें इस ब्रह्मांड का प्रतीक हैं। नटराज के शरीर पर लहराते हुए सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक हैं। नटराज की यह संपूर्ण आकृति ओंकार जैसी दिखती है, जिसका यह अर्थ है कि शिव में ही निहित है। स्कंद पुराण में भगवान नटराजन से संबंधित एक कथा है, जिसके अनुसार वानप्रस्थ में रहने वाले तपस्वी साधु मोह और माया के वशीभूत होकर अपने तप के कारण अभिमानी हो गए। वे लोग साधारण मनुष्यों को तुच्छ प्राणी समझने लगे। उन सब का यह व्यवहार देखकर कैलाशपति भगवान शिव ने उन साधुओं के अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया। तब भगवान शिव ने एक साधारण भिक्षुक का रूप धारण किया और उस जंगल में विचरण करने लगे। जब वे उन अभिमानी साधुओं के आश्रम से गुजरे, उस दौरान साधुओं के बीच जीवों की रचना और सर्वश्रेष्ठ जीवों के विषय पर चर्चा चल रही थी। उन साधुओं में स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने की मानसिकता विकसित हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने भगवान की पूजा न करने का निर्णय लिया। वे सब यह मानने लगे कि यह सारा संसार केवल ऋषियों पर ही टिका हुआ है। उनकी यह बातें सुनकर भिक्षुक रूप धारणकारी शिव ने अपने तर्क से उन सब ऋषियों की बातों को गलत साबित कर दिया।
शिव को ऐसा करते देख अहंकार से भरे साधुओं ने शिव को दंड देने की योजना बनाई। तब उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से एक राक्षस और कई सांपों को उत्पन्न किया। यह देखकर महेश्वर शिव ने एक अनोखा रूप धारण कर अपनी एक नृत्य मुद्रा से राक्षस और उन सांपों को मार डाला। तभी से नटराज की मूर्ति में भगवान शिव को चारों ओर नागों से लिपटे हुए दिखाया जाता है। इस अनोखे दृश्य को देखकर सभी साधु भयभीत हो गए और उनका अहंकार पल भर में टूट गया। सभी साधुओं ने शिव से क्षमा मांगी और उनके नटराज स्वरूप की आराधना की। इस प्रकार तभी से भगवान शिव के नटराजन स्वरूप को सृजन और विनाश के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। पार्वती जी ने कहा, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको मेरा पाणिग्रहण स्वीकार करना चाहिए, इसलिए आप मेरे पिता के पास जाकर उनसे मेरा हाथ मांगिए। पार्वती के इस तरह कहने पर भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद एक दिन हिमालय राज की पत्नी मेना अपनी बेटी पार्वती के साथ महल के प्रांगण में बैठी हुई थी और राजा हिमालय गंगा जी में स्नान करने गए हुए थे। उस समय भगवान शिव बाएं हाथ में एक सींग और दाहिने हाथ में डमरू लेकर मनोहर का गीत गाते हुए नृत्य करने लगे। उन्हें नृत्य करता देख नगर के सभी लोग वहां जमा हो गए। उनके नृत्य से प्रसन्न होकर मेना देवी ने उन्हें रत्नों से भरा एक स्वर्ण पात्र दिया, लेकिन नर्तक शिव ने इसे लेने से इनकार कर दिया और भिक्षा में पार्वती को मांगने लगे। यह सुनकर महारानी मेना चकित रह गई और क्रोध में भगवान शिव को महल छोड़ने के लिए कहने लगी। उसी समय पर्वतराज हिमालय भी वहां आ गए और यह जानकर कि वह नर्तक पार्वती को भिक्षा में मांग रहा है, उन्होंने भी शिव को महल से बाहर जाने के लिए कहा। तब नट रूप धरे शिव ने पर्वतराज हिमालय को अपना प्रभाव दिखाया। हिमालयराज को उस नटराज में कभी विष्णु, कभी ब्रह्मा और कभी सूर्य के रूप में दर्शन हुए। उसके बाद नटराज रूपी शिव उनके सामने तेजस्वी रुद्र के रूप में प्रकट हुए। यह देखकर पर्वतराज हिमालय और मैना रानी चकित रह गए। उसके पुनः नट रूपी शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांगा और अंतर ध्यान हो गए। तब राजा हिमालय और मैना को यह एहसास हुआ कि यह सब सर्वव्यापी शिव की ही माया है। इस प्रकार माता पार्वती से विवाह के लिए भगवान शिव के नर्तक नटराज का अवतार लिया था।